लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। अंकिता भंडारी मर्डर केस में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। उत्तराखंड पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक ADG वी मुरुगेशन ने बताया कि अगले 10 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। ADG ने बताया कि हत्यारोपियों से VIP का नाम उजागर करने के लिए नार्को टेस्ट के लिए भी आवेदन किया जाएगा और अंकिता केस में ड्यू डेट से पहले हर हाल में चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। ADG ने कहा कि जाँच एजेंसी के पास केस से जुड़े हर पर्याप्त सबूत मौजूद है। मामले में कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। केस में फॉरेंसिक जांच सहित सभी साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। पिथौरागढ़ जिले में काली नदी के तटबंध की मरम्मत कर रहे मजदूरों पर नेपाल की ओर से पथराव हुआ है। पिथौरागढ़ के धारचूला में हुई इस घटना से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से पत्थरबाजी हो रही है। इस दौरान 3-4 मजदूरों के घायल होने की सूचना है और एक पोकलैंड मशीन को नुकसान भी हुआ है। रविवार दोपहर से पथराव की घटना तेज हुई है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया है ताकि तनाव न बढ़े। इसी के साथ नेपाल की सीमावर्ती जिले के प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश भी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 इलेक्ट्रिक बसों का मार्ग ISBT से माल देवता एवं ISBT से सहसपुर रोड के संचालन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री धामी ने टिकट लेकर घंटाघर तक बस की यात्रा भी की। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन देहरादून में पहले से ही किया जा रहा है। CM धामी ने CEO स्मार्ट सिटी जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका को निर्देश दिए कि यह तय किया जाए कि इन बसों के आने जाने की टाइमिंग लोगों को पता हो। अल्मोड़ा के बखरिया टाना में बारात की कार का एक्सीडेंट हो गया। कार हादसे में मारे गए दूल्हे के पिता जयंत सिंह और भाभी अंकिता का अंतिम संस्कार बागेश्वर के शमशान घाट पर किया गया। दूल्हे दिनेश के सिर से सहरा भी नहीं उतरा था कि उसे मुंडन करवाना पड़ा। पिता और भाभी से आशीर्वाद लेने के बजाय दूल्हे को उनकी चिता को मुखाग्नि देनी पड़ी। भतीजे समर के शव को गाँव के शमशान घाट में दफनाया गया। दूल्हे की बहन सीमा का अंतिम संस्कार उसके ससुराल डोटियाल गाँव में किया गया। बता दें कि इस कार हादसे में दूल्हे के पिता, भाभी, भतीजे और बहन की मृत्यु हो गई थी। धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी है। उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने के दिन से अगले 3 साल तक रहेगा। योगेश की नियुक्ति पर तमाम पत्रकारों और राज्य आंदोलनकारी संगठनों ने उन्हें बधाई दी है। प्रभारी सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे की ओर से आदेश जारी कर दिए गए है। CM की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने शासन को प्राप्त आवेदनों पर उनका चयन किया है। समिति में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास भी शामिल है। पिथौरागढ़ जिले में इन दिनों आंतों में सूजन के साथ पीलिया का संक्रमण बढ़ने लगा है। रोजाना 15 से 20 मरीज BD पांडे जिला अस्पताल में इलाज करने पहुंच रहे हैं। जिले में पहली बार मरीजों में आंतों में सूजन के साथ पीलिया संक्रमण देखने से डॉक्टर भी हैरान है। पीलिया का पता लोगों को काफी देर से चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि पीलिया संक्रमण दूषित पानी और दूषित खाने से होता है। जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर अस्पताल जरूर जाए। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज़। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।